जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए प्लांट टिश्यू पादप उत्तक से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, और यह इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके या चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग प्लांट टिश्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं, ग्रुप डी एग्जाम 2018, एलपी एग्जाम 2018, एनटीपीसी एग्जाम 2019, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2019, इन सभी में जितने भी क्वेश्चन रेलवे के द्वारा प्लांट टिश्यू से रिलेटेड पूछे गए हैं, उन सभी को यहां पर हम देखने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के बाद आप लोग यह भी ध्यान रखें कि आप लोग कितने आंसर सही बता पा रहे हैं, ताकि लास्ट में आप हमें कमेंट करके बता पाए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर एक, पेरेन्काइमा उत्तक का। पेरेन्काइमा उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। पेरेन्काइमा उत्तक को हम हिंदी में मृदुतक उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदुतक उत्तक। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? मृदुतक उत्तक कहा जाता है। और मृदुतक की जो कोशिकाएं होती हैं, यह गोल अंडाकार या फिर बहुमुखी होती हैं। कैसी होती हैं? गोल अंडाकार या बहुमुखी होती हैं। तो आप लोगों को याद रखना है किस उत्तक की अंतर कोशिकाओं का क्षेत्रफल बड़ा होता है। आंसर होगा पेरेन्काइमा उत्तक की अंतर कोशिकाओं का क्षेत्रफल बड़ा होता है। पेरेन्काइमा उत्तक इस प्रकार से साथ में मतलब लगे हुए होते हैं, और इनके बीच का जो आपका अंतर कोशिकीय क्षेत्र है वह क्या होता है? बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, और इसका हिंदी में नाम याद रखना है, इसे किस नाम से जाना जाता है? मृदुतक उत्तक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में कौन सा उत्तक पाया जाता है? यह एक पौधा होता है, ठीक है, और पौधों के छल्ले की आकृति मतलब यहाँ बीच में छल्लों के रूप में आपने देखा होगा किसी पेड़ के अंदर, यह जो आकृति पाई जाती है यह किस उत्तक के कारण होती है जो कि इनकी वृद्धि में सहायक होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, लेटरल मेरिस्मेटिक उत्तक या लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। यह इंग्लिश में इसे कहा जाता है लेटरल मेरिस्मेटिक, और हिंदी में इसे कहा जाता है पार्श्व विभज्योतक उत्तक। क्या कहा जाता है? पार्श्व विभज्योतक उत्तक। तो मैं पहले ही आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं कि आप लोगों को इन उत्तक के हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको कब इंग्लिश में और कब हिंदी में दे दिया जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो पार्श्व विभज्योतक उत्तक जो होते हैं यह पौधों की मोटाई में वृद्धि करते हैं। पौधों की मोटाई में वृद्धि किसके द्वारा की जाती है? पार्श्व विभज्योतक उत्तक के द्वारा की जाती है, और पार्श्व विभज्योतक उत्तक को हम लेटरल मेरिस्मेटिक उत्तक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? मतलब जड़ों से खाद्य पदार्थों को लेकर पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। तो यहां पर खाद्य पदार्थ शब्द पर आप ध्यान ना दें, यहां पर आप ध्यान दें जड़ों से। अगर आपने खाद्य पदार्थ शब्द देखकर स्वयं आंसर लगा दिया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत जाने वाला है, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा गया है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण। तो जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण जो है जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर खाद्य पदार्थ का मतलब क्या है? तो एक पौधा है दोस्तों, यह एक पौधा है और जिसके नीचे जड़ है। अब यह जड़ क्या अवशोषित करती है? जल और खनिज लवण। यह जड़ के द्वारा क्या अवशोषित किया जाता है? जल और खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। तो इन जल और खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम जो है यह जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, और जाइलम की जो गति होती है वह एक दिशा में ही होती है। यह भी आपको याद रखना, वन वे रूट होता है इसका, यह सिर्फ एक दिशा में ही सामग्री को स्थानांतरित कर सकता है, मात्र एक दिशा में सामग्री को स्थानांतरित कर सकता है। कैसे? तो समझिए, यहां पर यह एक पेड़ है, ठीक है, यह एक पेड़ इस प्रकार से बना हुआ है।
अब पेड़ में नीचे की ओर पाई जाती है जड़ें। नीचे की ओर क्या है? जड़ें। जड़ में क्या पाए, जड़ क्या अवशोषित करती है? जल और खनिज लवणों को अवशोषित कर रही है ना, खनिज लवणों को अवशोषित कर रही है। तो यह खनिज लवणों को ऊपर की ओर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो यह किसका कार्य है? जाइलम का, जल से जाइलम। अब यह इसका जो रूट है वह कैसा हो गया? वन वे, सिर्फ एक दिशा में ही सामग्री को स्थानांतरित करता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि फ्लोएम जो है वह दोनों दिशाओं में या एक दिशा में सामग्री को स्थानांतरित करता है, तो फ्लोएम का आंसर होगा दोनों दिशाओं में। देखिए फ्लोएम जो होता है, या पेड़ मान लीजिए, अब पेड़ की पत्तियों में खाद्य सामग्री निर्मित होती है, कुछ यहाँ की पत्तियों में खाद्य सामग्री निर्मित होती है, ठीक है, कुछ ऊपर की, इस प्रकार से विभिन्न भागों में खाद्य सामग्री उत्पन्न होती है। तो अब यह जो पेड़ की पौधी में यहाँ खाद्य सामग्री बनी है, क्या यह ऊपर की ओर नहीं पहुंचाई जा सकती? जो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाई जा सकती है। और क्या यह इसे नीचे की ओर नहीं पहुंचाता? तो नीचे मतलब पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य सामग्री को फ्लोएम पहुंचाता है। तो यह ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी पहुंचाता है। तो फ्लोएम की जो स्थानांतरण की गति होती है खाद्य सामग्री को, यह दोनों दिशाओं में पहुंचा सकता है। तो यह आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, फ्लोएम की गति दोनों दिशाओं में, जाइलम की गति सिर्फ एक दिशा में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देश उत्तक, चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किस उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तकों से बनने के लिए पृथक होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, विभवजतक उत्तक। विभवजतक उत्तक, जिसे हम इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यू भी कहते हैं, विभवजतक उत्तक की जो कोशिकाएं होती है अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तकों बनाने के लिए पृथक होती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। विभवजतक उत्तक से ही जो विभवजतक उत्तक विभाजन में असक्षम हो जाते हैं। देखिए कोशिकाएं क्या होती हैं, आपस में विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। कोशिकाएं क्या होती है? स्वयं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो गई हो या समाप्त होने की कगार पर हो, तो वह क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। जिनमें विभाजन की क्षमता नष्ट हो गई हो वह क्या रहेगी? अब वैसी की वैसी ही रहेगी, तो वह क्या हो जाती है? कि स्थायी कोशिका हो जाती है। तो विभवजतक की ऐसी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है, मतलब कि जिनमें आप विभाजन नहीं होगा वह क्या बनाएंगी? स्थायी उत्तक बनाएंगी। और स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थायी उत्तक दो प्रकार के, मतलब स्थायी उत्तकों पहले तो तीन प्रकार होते हैं, जो कि सरल स्थायी उत्तक होते हैं, और दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। और जटिल स्थायी उत्तक में क्या होता है? तो जटिल स्थायी उत्तक में आपका जाइलम और फ्लोएम होता है, यह दोनों ही जटिल स्थायी उत्तक होते हैं, तो यह स्थायी उत्तकों से बना होता है। और सरल स्थायी उत्तक की बात की जाए तो इससे पहले बनता है सरल स्थायी उत्तक विभवजतक उत्तक से, फिर बनता है जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक का उदाहरण यह रहे जाइलम और फ्लोएम। और यदि आपसे पूछा जाए कि सरल स्थायी उत्तक के उदाहरण क्या होते हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा जिसे द्रवण उत्तक कहते हैं, कोलेनकाइमा जिसे स्थूलकोण उत्तक कहते हैं, और पेरेनकाइमा जिसे मृदु उत्तक कहते हैं, वह किसके उदाहरण होते हैं? सरल स्थायी उत्तक के उदाहरण होते हैं। तो यहां आपसे पूछा गया है विभवजतक उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह सभी तो अलग से, इनमें विभाजन नहीं होता, यह तो खुद ही एक उत्तक है, इनमें कोई विभाजित नहीं होता, यह तो कोशिकाओं के समूह से बने हुए उत्तक होते हैं। उत्तक क्या होता है? एक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनका कार्य बिल्कुल सेम होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आप लोगों से पूछा गया है, स्थायी उत्तक खालिस्तान के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया स्थायी उत्तक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरिस्मेटिक या विभवजतक उत्तक के अंतर्गत। स्थायी उत्तक जो है मेरिस्मेटिक या विभवजतक उत्तक के अंतर्गत विभाजित किए जाते हैं या वर्गीकृत किए जाते हैं। अब मेरिस्मेटिक में दो प्रकार के स्थायी उत्तक होते हैं, पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कैसे? सरल, जिसमें क्या आता है? स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा। और दूसरा होता है जटिल उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक, इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, मेरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, और तब यह कैसे उत्तक बनाते हैं? तो वही बात जो मैं आप लोगों को समझा रहा था, यहां पर आप लोगों से पूछ लिया गया था आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में 3 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना भी है, सिर्फ वो पढ़ के भागना नहीं है, है ना। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में फिर से पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन होंगे, सिर्फ लैंग्वेज हल्की सी चेंज होगी, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल सेम टू सेम छप के यहां पर आ जाएंगे।
तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो। पूछा गया है मेरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं हम सब बताए और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं। जब इनमें विभाजित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो यह कैसे उत्तक बनाते हैं, यहां आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। ठीक है, यह कैसे उत्तक बनाते हैं तो यहां आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह बताना है आप लोगों को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थायी उत्तक। जब मेरिस्मेटिक या विभव द्योतक उत्तक, मेरिस्मेटिक को हम क्या कहते हैं, विभव द्योतक उत्तक। विभव द्योतक उत्तक एक अपनी जो क्षमता है विभाजित करने की, स्वयं को विभाजित करने की क्षमता जब इनकी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं तो यह एक स्थायी उत्तक बनाते हैं। स्थायी उत्तक के प्रकार में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं दोनों क्वेश्चन में, वह आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है। देश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो बताना है कि कौन सा उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, विभवद्योतक उत्तक, जिसे हम इंग्लिश में मेरिस्मेटिक कहते हैं। विभवद्योतक या मेरिस्मेटिक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। और यह जो विभवद्योतक उत्तक है यह पेड़ पौधों में मतलब तीन प्रकार के होते हैं, एक तो शीर्ष विभवद्योतक उत्तक, पार्श्व विभवद्योतक उत्तक और अंतर्वेशी विभवद्योतक उत्तक। जो शीर्ष विभवद्योतक उत्तक है वह क्या होता है, यह पेड़ पौधों के शीर्ष भागों पर पाया जाता है। पेड़ पौधों के शीर्ष भागों मतलब नीचे जड़ के शीर्ष भाग पर और ऊपर पेड़ पौधों के जो शीर्ष भाग होते हैं उन पर पाया जाता है और इनमें वृद्धि करता है, मतलब पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। और जो आप लोगों का पार्श्व होता है यह क्या करता है, इसकी मोटाई में वृद्धि करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, रूट टिप या सूट टिप, क्या पूछा गया, रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको अच्छे समझाया, बस यहां पर इंग्लिश में पूछ लिया गया है दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभवद्योतक उत्तक। अब रूट टिप या सूट टिप क्या होता है, तो देखिए अभी हमने क्या बनाया, एक पेड़, अभी हमने क्या बना लिया, चलिए मैं एक पेड़ छोटा सा बनाता हूं, एक प्लांट हमने यहां पर बनाया। इस प्लांट में नीचे की ओर जड़ें हैं। अब जड़ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जड़ को हम कहते हैं इंग्लिश में रूट। तो यह हो गया रूट टिप, और यहां पर यह इसका ऊपरी भाग है। तो ऊपरी भाग मतलब कि इसके जो शीर्ष भाग है इसे कहा जाता है सूट टिप। शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, सूट टिप। तो रूट टिप और सूट टिप में कौन से उत्तक पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इनकी लंबाई में वृद्धि करने के लिए शीर्ष विभवद्योतक उत्तक पाया जाता है। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, विभवद्योतक उत्तक पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अंतर्वेशी विभवद्योतक इंटर कैलरी और मेरिस्टेम किसमें पाए जाते हैं, आपसे यह पूछा गया है मेरिस्टेम। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों के तल में। अंतर्वेशी विभवद्योतक उत्तक जो है यह पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक पत्ता आपने देखा होगा, जैसे ये पौधा है और इस पौधे से इस प्रकार से एक पत्ता निकला हुआ है। ठीक है, इस पत्ते में आप लोगों को पीछे से, पत्ते के पीछे की ओर जब आप पलट के देखोगे तो यह एक मोटी वाली यह आपको नजर आती है, एक कोशिका, एक केशिका जिसे हम बोलते हैं, यह काफी मोटी नजर आती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, यह ही होती है अंतर्वेशी विभवद्योतक। अब यह अंतर्वेशी विभवद्योतक करती क्या है, तो यह इसकी लंबाई को निर्धारित करती है। किसकी लंबाई को, इस पत्ते की यहां से लेकर इस नोड से लेकर यहां तक की लंबाई को निर्धारित करती है। किसके द्वारा किया जाता है, अंतर्वेशी विभवद्योतक के द्वारा किया जाता है। और यह जो इंटरकैलरी मेरिस्टिक है यह कहां पाई जाती है, पत्तियों के तल में। समझ गए आप लोग, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है इनमें से किस विभवद्योतक उत्तक के कारण तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो इसका जो, या फिर पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, पार्श्व विभवद्योतक उत्तक, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, इसकी वजह से पेड़ पौधों के तने के घेरे में वृद्धि होती है और पेड़ पौधे क्या होते हैं, मोटे होते हैं। पेड़ पौधों की मोटाई में वृद्धि का कारण क्या होता है, तो आंसर होगा पार्श्व विभवद्योतक उत्तक। पार्श्व का मतलब होता है इस तरीके से फैलना, पार्श्व का मतलब क्या होता है,
फैलना, तो पेड़ पौधों की मोटाई बढ़ाना, फैलना क्या होता है, मेरिस्मेटिक उत्तक। कौन सा मेरिस्मेटिक उत्तक आपसे पूछा जाए तो पार्स लेटरल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया एक पौधे के तने के जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेटरल मेरिस्मेटिक, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पार्श्व विभज्योतक। क्या कहते हैं हिंदी में, पार्श्व विभज्योतक के कारण पेड़ पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है या इसके जड़ का घेरा। जड़ का घेरा का मतलब क्या होता है, यह है पौधा, पौधा रुके, पौधा सीधा होना चाहिए, यह एक पौधा और पौधा है और यह इसकी जड़ है, तो इसकी जड़ की जो मोटाई है वो किस पे डिपेंड करेगी। मोटाई की बात की जाए, घेरे की बात की जाए, तो मोटाई डिपेंड करती है पार्श्व विभज्योतक उत्तक लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू पर। आगे बढ़ते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम आपको याद रखना, यही कोशिश है मेरी कि आप दोनों में नाम याद रखें ताकि आप लोग आसानी से इसके आंसर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तने या जड़ का घेरा खालिस्तान के कारण बढ़ता है, तो यह क्वेश्चन अब बदलकर आ चुका है, बस सिंपल सा है, वही सिर्फ लैंग्वेज चेंज की जा रही है। पार्श्व या लेटरल विभज्योतक उत्तक के कारण तने या जड़ का घेरा बढ़ता है। आगे है अग्रस्त, मतलब कि जिसे हम शीर्ष भाग कहते हैं, मेरिस्मेटिक के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है, तने और जड़ पर, शाखा और तने पर। तो आपसे पूछा गया जो शीर्ष विभज्योतक उत्तक वह कहां पाया जाता है, तो अभी मैंने आप लोगों को आंसर बताया था एक चित्र बनाकर कि इस प्रकार से अगर कोई पौधा है, इस प्रकार से कोई पौधा है, ठीक है, नीचे इसकी जड़ें हैं, या पौधे के जो शीर्ष विभज्योतक उत्तक है कहां पाए जाते हैं, तो यह पौधों के शीर्ष जड़ की शीर्षों पर और पौधे के शीर्ष भागों पर पाए जाते हैं। तो शीर्ष विभज्योतक उत्तक किसमें पाए जाते हैं, यह है जड़ और यह है तना, तो किसमें पाए जाते हैं, तने और जड़ में पाए जाते हैं शीर्ष विभज्योतक उत्तक, जो कि पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आप लोगों को बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी इसके करेक्ट आंसर होंगे। यहां पर पूछा गया है पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, अंतर्वेशी विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक से। कैसे होती है यह बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक बीज है, एक बीज है, अब बीज में यह जो नीचे की ओर निकलता है, नीचे की ओर का जो भाग निकला है यह क्या है, मूलांकुर। मूलांकुर का मतलब क्या होता है आपको पता है, मूलांकुर का मतलब होता है नीचे जो जड़ निकल रही है, और ऊपर की ओर जो भाग निकल रहा है यह क्या होता है, प्रांकुर। प्रांकुर मतलब होता है तना। अब इसमें क्या होता है, एक पत्ती फूटेगी, इसमें क्या होगा, एक पत्ती लगेगी, ठीक है। तो यह पत्ती में देखिए इसकी लंबाई यह किस पर डिपेंड करेगी, अब यहां पर कौन कौन सी चीजें हम देखेंगे, तो यहां पर पहले शीर्ष विभज्योतक, आप देखिए मूलांकुर जड़ और ये प्रांकुर मतलब कि तना, तो जड़ और तने में कौन सा पाया जाता है, जड़ और तने में कौन सा उत्तक, तो जड़ और तने में हम बोलेंगे कि शीर्ष विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। अब यहां पर एक पत्ती यहां पर आई है, अभी पेड़ का विकास शुरू हुआ है, ठीक है, पेड़ का या पौधे का क्या हुआ है, विकास शुरू हुआ है, तो यहां पर एक पत्ती आई, यह इसकी लंबाई को डिपेंड करता है, तो यह किस पे, अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक पर। किस पर, अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक पर। तो पौधे में जो प्राथमिक वृद्धि है वह किस पर डिपेंड करती है, आंसर होगा अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक और शीर्ष विभज्योतक उत्तक पर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एरियोलर, एरियोलर उत्तक अंगों के डेस स्थान भरता है और डेस अंगों को सहारा देता है और उत्तकों का मरम्मत करता है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर, अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। यहां क्या आएगा, आंतरिक अंगों को सहारा देता है। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो उसके बाद क्या होता है, वहां नई सेल का विभाजन होता है और हमारी चोट धीरे धीरे भराती है, ऐसे ही पौधों में है। तो एरियोलर उत्तक जो है यह अंदर का स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को क्या करता है, सहारा देता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर यहां पर इसकी बात कर ली जाए एरियोलर उत्तक की, तो एरियोलर उत्तक जो है यह उत्तक पौधों के कोमल अंगों में, पौधों के कोमल अंगों में लिखना है आपको, यह उत्तक क्या करता है, पौधों के कोमल अंगों में लचीलापन, लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करता है, लचीलापन और
दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है? लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करता है। कौन सा उत्तक? एरियोलर उत्तक। पौधों में लचीले भागों में या कोमल भागों में जो अंग होते हैं इनमें लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन से पौधों के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? आंसर जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपने आंसर सही करते जाएं कि हाँ हमने कितने सही लगाए, लास्ट में आप लोग बता पाए कि सर हमने इतने में से इतने सही अटेम्प्ट किए, ताकि आपको पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और 2018 के जो साइंस जीके जीएस के क्वेश्चन है, या फिर 2022 के एग्जाम के लिए स्पेशल साइंस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के इस तरीके के जो क्वेश्चन है, सारे के सारे टॉपिक देखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे बेहतर तैयारी हो पाएगी आप लोगों की, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधों के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, विभोज्यतक उत्तक जो होता है यह कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किन स्थायी उत्तक में कोशिकाएं मृत होती हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से ऐसा कौन सा स्थायी उत्तक है जिसका निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है। तो यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी देता रहता हूं, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया है। आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ उत्तक। क्या कहा जाता है? दृढ़ उत्तक। इंग्लिश में स्क्लेरेन्काइमा, हिंदी में दृढ़ उत्तक। और यह एक सरल स्थायी उत्तक है। कैसा उत्तक है? सरल स्थायी उत्तक है स्क्लेरेन्काइमा, या दृढ़ काय उत्तक जो है, एक सरल स्थायी उत्तक है, और जिसका निर्माण जो है यह मृत कोशिकाओं से होता है। यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। इसका काम क्या है? देखिए, दृढ़ उत्तक नाम में ही दृढ़ है, कठोरता, दृढ़ता प्रदान करता है। अब यह आप लोगों को देखने को कहां मिलेगा, तो आप लोगों ने नारियल का जो फल देखा होगा तो उसके ऊपर का जो छिलका है काफी कठिन आता, मतलब कड़क आता है, टफ आता है, दृढ़ आता है, तो वह किससे निर्मित होता है? स्क्लेरेन्काइमा उत्तक से निर्मित होता है। या फिर आप लोगों ने अखरोट का कवक देखा होगा, अखरोट का जो कवर होता है वह भी कठिन कड़क आता है, हम दांत से दबा के काफी मुश्किल से तोड़ पाते हैं, तो उसका निर्माण भी किससे होता है? स्क्लेरेन्काइमा उत्तक से होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा उत्तक क्या होता है? दृढ़ता या कठोरता प्रदान करता है, जिसका निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है। यह सब आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा उत्तक। सारी जानकारियां तो मैं इसके बारे में बता ही चुका हूं, यह एक सरल स्थायी उत्तक है जो कि पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक के द्वारा होता है? वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो मैं जो जानकारी दे रहा हूं उसी फैक्ट में सारे क्वेश्चन आपके अगले डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर कर पाएंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक या दृढ़ उत्तक, क्या कहा जाता है इसे हिंदी में? हिंदी में नाम याद होना चाहिए आपको, दोनों नाम ऑप्शन में आपको नजर आते हैं, कभी ऑप्शन में आपको हिंदी में ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कभी इंग्लिश में दिए जाते हैं, तो याद होना चाहिए। नारियल की जो छाल है वह स्क्लेरेन्काइमा उत्तक या दृढ़ उत्तक की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार का उत्तक नारियल की भूसी बनाता है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर होगा इसका स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर या स्क्लेरेन्काइमा का जो तंतु होता है वह नारियल की भूसी का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, बेस उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है, सॉरी उत्तक का निर्माण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्लेरेन्काइमा। क्या कहा जाता है? दृढ़ उत्तक। मैं इसे बार बार क्यों बता रहा हूं, तो इसका रीजन है ताकि आप सुनकर ही याद कर लें। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है, जिसे हम दृढ़ उत्तक कहे नाम से भी जानते हैं, और यह एक सरल स्थायी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, चेंज नहीं हुआ, चलिए देखते हैं, यह रहा, हाँ यह रहा, बेस की कोशिकाएं मृत होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है?
आंसर होगा इसका आप लोगों का, देखिए अब हिंदी में दे दिया गया, मैंने बोला ना हिंदी इंग्लिश दोनों याद होना चाहिए, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है और अब हिंदी में आया है, तो अब इस क्लियर काय में नजर नहीं आएगा, यहाँ पर नजर आएगा दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं, दृढ़ उत्तक को ही हम क्या कहते हैं, स्क्लेरेन काइमा कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वनस्पति उत्तक का बेस परिपक्वता व जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, क्या बोला गया है, जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, ग्रुप डी एग्जाम का क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज, क्वेश्चन वही आंसर भी वही, बस लैंग्वेज में फर्क डाल दिया गया है। तो ध्यान से देखेंगे, देखिए वनस्पति उत्तक का मतलब पौधों से संबंधित उत्तक की बात की जा रही, कौन सा उत्तक परिपक्वता व जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। अब जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता मतलब वो तो जीवित नहीं है, उसका निर्माण मृत कोशिकाओं से हुआ है। अब मृत कोशिकाओं का निर्माण से किस उत्तक का निर्माण होता है मृत कोशिकाओं से, आपको पता है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ उत्तक जो है यह जीवित प्रोटोप्लाज्म का धारण नहीं करता है, इसका निर्माण जो है यह मृत कोशिकाओं से होता है, किससे होता है, मृत कोशिकाओं से। इतनी देर से मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी तो सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, सारे के सारे क्वेश्चन देखें। और दृढ़ उत्तक या जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता, यह एक सरल स्थायी उत्तक है, कैसा उत्तक है, सरल स्थायी उत्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगर लोगों को, यदि आप लोगों को इसके और भी टॉपिक देखना है जंतु जगत से, पादप जगत से रिलेटेड जितने भी इनके संघ होते हैं, पांच जो भिटकर ने बांट के रखा है, और या फिर कंप्यूटर या फिजिक्स और साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखना है, तो उसके लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो आएंगे, और चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें, वहां पर कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साधारण स्थायी उत्तकों के तीन प्रकार, अब इस साधारण को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा सरल, किस नाम से जाना जाता है, सरल। तो यहां पर चलिए भैया आप खोलिए इसे, बहुत देर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए सरल स्थायी उत्तकों के तीन प्रकार आप लोगों को बताना है, राइट आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, यह तीनों ही सरल स्थायी उत्तक या साधारण स्थायी उत्तक के तीन प्रकार है। अब इन तीनों के नाम, पेरेन्काइमा को क्या कहा जाता है, पेरेन्काइमा को मृदुतक उत्तक कहा जाता है, कोलेन्काइमा को क्या कहा जाता है, तो कोलेन्काइमा को स्थूल कोण उत्तक कहा जाता है, स्क्लेरेन्काइमा को क्या कहा जाता है, तो स्क्लेरेन्काइमा को दृढ़ उत्तक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दृढ़ उत्तक कहा जाता है। तो यह सारे के सारे आपको हिंदी इंग्लिश में याद होना चाहिए, और यह तीनों ही सरल स्थायी उत्तक के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे आंसर होगा, किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जटिल उत्तक, जटिल उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जब दे दिया जाए शब्द तो यह जटिल स्थायी उत्तकों में चला जाता है, अगर आपको दे दिया जाए एक समान कार्य करने वाली एक समान की कोशिकाएं, तब आप विभेद्यतक उत्तक में या मेरिस्मेटिक उत्तक में आएंगे, लेकिन यहां पूछा गया एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है, तो यह होता है जटिल उत्तक। पौधे में जितनी भी कोशिकाएं, चाहे उनके कार्य अलग अलग हों, अगर वह अपने विभाजन की क्षमता खो देती हैं, तो उनसे एक स्थायी उत्तक का निर्माण होता है, और वह एक जटिल स्थायी उत्तक होता है। अब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक जटिल स्थायी उत्तक का ही निर्माण करेंगी ना, एक जैसी कोशिकाएं हैं तो वह जटिल कहां हुआ, वह तो सरल है, क्योंकि एक जैसी कोशिकाओं से उसका निर्माण हुआ है, लेकिन विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं शामिल हो जाए तो वह क्या हो गई, उसकी संरचना क्या हो गई, जटिल हो गई। तो एक जटिल उत्तक की कौन निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है पादप कोशिका भित्ति जो है दोस्तों यह किसकी बनी होती है, जल्दी से आंसर बताना है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग पाएंगे, तो पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जल्दी से बताएं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज और पेक्टिन की, पादप कोशिका भित्ति जो है यह सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, पादप कोशिका भित्ति जो है यह पौधों को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका भित्ति क्या करती है, बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है, कवच का काम करती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है,
या काफी दृढ़ होती है जो पौधों को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी बताएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर होगा खाद्यों का संचरण। फ्लोएम की बात की जा रही है, फ्लोएम जो है यह पत्तियों और पौधों के अन्य संश्लेषी भागों, प्रकाश संश्लेषी भागों में निर्मित जो खाद्य सामग्री होती है उसे पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है या नीचे तक और ऊपर इन सभी भागों में पहुंचाता है। तो इसकी जो गति होती है वह दोनों दिशाओं में स्थानांतरित करने की इसमें क्षमता होती है, मतलब दोनों दिशाओं में इसकी गति होती है, यह आपको याद रखना है। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। फ्लोएम क्या है? एक जटिल स्थायी ऊतक है, यह आपको याद रखना है। फ्लोएम और जाइलम दोनों ही एक जटिल स्थायी ऊतक है और जिसका कार्य होता है पौधों में खाद्य पदार्थों का संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के सभी भागों में भोजन कौन पहुंचाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम पहुंचाता है। और कौन पहुंचाता है ना, ये क्वेश्चन कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है पर लैंग्वेज चेंज की गई इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ले रखे हैं और यह सभी के सभी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोगों से फिर से पूछे जाएंगे इसलिए मैंने आपके लिए लिए हैं, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम देश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो पौधों के द्वारा फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? आंसर होगा भोजन का, भोजन या खाद्य सामग्री का संचरण किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। और जल की बात की जाए तो वह जाइलम के द्वारा किया जाता है। अब फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देश में पतली कोशिका भित्ति क्या होना है? पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पूछा गया इनमें से किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अविशिष्ट कोशिकाएं होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेस्क में चार ऊतक के नाम दिए गए, किस ऊतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतः क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर कर पाएंगे। मैंने आपको वीडियो में ही बताया है कि किन कोशिकाओं, किस ऊतक की कोशिकाओं के मध्य का जो अंदर का क्षेत्रफल वह अधिक होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चलिए जल्दी इसी में से आप लोगों को बताना है, तो आंसर इसका जो होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, मृदुतक, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा। क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा। तो देखिए यहां पर आप लोगों के दिमाग से खेल लिया गया, पहली बात तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ कर दिया गया और दूसरा हिंदी में नाम दे दिया गया। इंग्लिश में नाम आता तो हम पहचान जाते कि यह पेरेन्काइमा है, लेकिन क्वेश्चन को टफ करने के साथ साथ नाम भी हिंदी में दिया है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है देश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतः क्रियात्मक रिक्त स्थान रहे। तो पेरेन्काइमा कोशिकाओं के भीतर का जो क्षेत्रफल होता है वह अधिक होता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं आंसर होगा मृदुतक या पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है किस ऊतक में पतली कोशिका भित्ति, क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं? अंतर कोशिकीय प्रसार करना है तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पेरेन्काइमा। पहले ही मैंने आपको चित्र के माध्यम से बता दिया था कि पेरेन्काइमा ऊतक जो है यह अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए पाई जाती है। और पेरेन्काइमा ऊतक को आप कहां देख सकते हैं? तो जो आपकी एक पत्ती होती है, पेरेन्काइमा ऊतक की जो एक पत्ती होती है इसका यह पिछला वाला भाग देखिए, यह जो मोटा वाला भाग है या इसकी जो लंबाई है यह किस पर डिपेंडेंट होती है? इसकी लंबाई, तो यह पेरेन्काइमा ऊतक पर डिपेंडेंट होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय हैं? इनमें घने कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो आप लोगों को बताना है। ये तो मृत, देखिए इसमें से आप अगर इसलिए कहना मृत कोशिकाएं, इसमें तो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, यहां पर आपसे पूछा गया कि छोटी रिक्तिकाएं, पेरेन्काइमा इसमें बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। कोलेन्काइमा या तो लचीला होता है, इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह कम होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो यहां पर आपसे पूछा गया है किस ऊतक की कोशिकाएं, आंसर होगा मेरिस्मेटिक या विभेद्यतक ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, या जल्द ही विभाजित हो जाती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, बहुत सक्रिय होती है, इसमें घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां और मुख्य नाभिक
और कम रिक्तिकाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है कोशिका विभाजन में सक्षम उत्तक, आंसर होगा विभेद्यता उत्तक जो है यह कोशिका विभाजन में सक्षम उत्तक होता है, पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आंसर आप लोगों को बताना है। विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों, अब स्थायी उत्तकों का निर्माण किससे होता है, विभेद्योतक उत्तक से। विभेद्योतक उत्तक को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के बारे में बता चुका हूं, जटिल स्थायी उत्तक के बारे में भी बता चुका हूं। तो यहां पूछा गया है स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है, अलग किया जाता है। आंसर होगा मेरिस्मेटिक, जिसे कि हम विभेद्योतक उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, विभेद्योतक उत्तक। यह रहा आंसर, स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए मेरिस्मेटिक या विभेद्योतक उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। अब इससे जो है दो प्रकार के स्थायी उत्तक बनते हैं, एक बनता है सरल स्थायी उत्तक। क्या बनता है, सरल स्थायी उत्तक, और दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। और जटिल स्थायी उत्तक के अंतर्गत क्या आता है, तो जटिल स्थायी उत्तक के अंतर्गत आता है दोस्तों जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम किसमें है, जटिल स्थायी उत्तक में। और सरल स्थायी उत्तक में क्या आता है, तो कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और यहां पर आपको ऑप्शन दे दिए गए, आप बताना इसमें से कौन कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, विभेद्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो विभेद्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। अब देखिए कैसी बात कर ली जाए, तो अगर आप लोगों को पादप उत्तकों को दो भागों में बांटने की बात कह दी जाए, तो पादप उत्तक ये होता है पादप उत्तक, और पादप उत्तक में दो प्रकार, पहला होता है विभेद्योतक उत्तक। क्या होता है, विभेद्योतक उत्तक, एक मिनट, पहला होता है विभेद्योतक उत्तक। क्या होता है, विभेद्योतक उत्तक, और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। दूसरा क्या होता है, स्थायी उत्तक। अब स्थायी उत्तक भी तीन प्रकार का होता है, यहां पर देखेंगे हम स्थायी उत्तक। अब स्थायी उत्तक के भी दो प्रकार, पहला सरल स्थायी उत्तक, पहला क्या हो गया, सरल स्थायी उत्तक, और यहां पर दूसरा जो हो जाता है ये हो जाता है जटिल स्थायी उत्तक। दूसरा क्या हो जाता है, जटिल स्थायी उत्तक। और यहां पर देखिए विभेद्योतक उत्तक की बात की जाए तो यह तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का मतलब कैसा, तो इसका बात की जाए तो यह होता है शीर्ष विभेद्योतक। क्या होता है, शीर्ष विभेद्योतक, विभेद्योतक, तो शीर्ष विभेद्योतक होता है। उसके बाद फिर यह होता है पार्श्व विभेद्योतक। क्या होता है, पार्श्व विभेद्योतक। और फिर तीसरा जो इसका होता है हिस्सा वह होता है, रुकिए लिख देता हूं मैं, तीसरा जो होता है पार्श्व विभेद्योतक के बाद अंतर्वेशी विभेद्योतक। क्या होता है, अंतर्वेशी विभेद्योतक होता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप लोग उत्तक वाला वीडियो देख लें, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कौन सा भाग कहां होता है। अब यहां पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया उस पर आते हैं। तो देखिए पूछा गया है पादप उत्तक मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो यहां पर आप देखेंगे हमने पादप उत्तक को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा है, तो जल्दी से देखिए पादप उत्तक को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा हमने, यहां पर दो प्रकार में, एक तो विभेद्योतक उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक के रूप में हमने यहां पर बांटा है। तो आंसर कौन सा होगा इसका, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया हो तो, और समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को डबल से देख रहे हो, और नहीं फिर भी आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई नया तरीका लेकर आऊंगा जिससे आप लोगों को समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बताइए, स्थायी उत्तक का एक उदाहरण आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। जाइलम जो है यह एक जटिल स्थायी उत्तक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक है। जाइलम क्या है, एक जटिल स्थायी उत्तक है, और इसे संवहनी उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। संवहनी उत्तक का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन कर पाना, या इसे चालनी उत्तक के नाम से भी, चालनी का मतलब भी संवहन करना या चलना होता है। तो स्थायी उत्तक का एक उदाहरण कौन सा है यहां आपसे पूछा गया है, तो देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें चित्र बनाकर कहा गया, चलिए कहीं इधर तो थोड़ा आगे पीछे हो गया, देखते हैं। तो यहाँ पर विभेद्योतक जो क्या है, विभेद्योतक में जटिल स्थायी उत्तक होता है, रुकिए जरा, हाँ यहाँ पर चित्र हमने बनाया है। तो
तो देखिए चित्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि जटिल स्थायी ऊतक, और जटिल स्थायी ऊतक में मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, तो जटिल स्थायी ऊतक में मुख्यतः होते हैं जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम किसमें आते हैं? जटिल स्थायी ऊतक में। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, तो यह था हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है। पौधों के प्रकाश संश्लेषी हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है, कौन सा ऊतक है जो यहां से लेकर भोजन सभी भागों में पहुंचाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषी हिस्सों सभी भागों में पहुंचाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा फ्लोएम। फ्लोएम जो है जिसे हिंदी में हम दारू के नाम से जानते हैं, यह भी आपको याद रखना है। हिंदी में इसे किस रूप में जाना जाता है? फ्लोएम को दारू के रूप में जाना जाता है। तो फ्लोएम जो होता है यह पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री परिवहन में मदद करता है, या खाद जो निर्मित खाद्य सामग्री होता है उसको पूरे पौधों में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ ऊतक देश के कारण बना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से दृढ़ ऊतक किसके कारण बना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जीव कोशिका। दृढ़ ऊतक का मतलब क्या है दोस्तों? अभी मैंने आप लोगों को बताया दृढ़ ऊतक का मतलब क्या होता है। चलिए यहां तक ना जाकर इधर आते हैं। दृढ़ ऊतक का मतलब होता है स्क्लेरेन्काइमा। मैंने कहा कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बार बार बताते चल रहा हूं। स्क्लेरेन्काइमा को ही हम कहते हैं दृढ़ ऊतक, और जिसका निर्माण होता है मृत कोशिकाओं से। किससे होता है? मृत कोशिकाओं से। और मृत कोशिकाओं को ही क्या कहा जाता है? निर्जीव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है रेगिस्तानी पौधों की बाह त्वचा पर, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जैसे हमारी त्वचा की जो बाहरी परत है इसे क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। तो रेगिस्तानी पौधों की बाह त्वचा एपिडर्मिस खालिस्तान की एक मोटी मोम परत होती है। तो एपिडर्मिस किसकी बनी होती है? यहां पर आपसे पूछा गया है यहां। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, क्विटिंग की। रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं इनकी बाह त्वचा जो होती है वह क्यूटिन की बनी होती है। अब यह क्यूटिन करता क्या है? तो रेगिस्तानी पौधे तो आप लोगों को पता है कि कम पानी में उपयोग उगाए जाते हैं। तो देखिए अब यहां पर अगर बात कर ली जाए तो यह जो क्यूटिन है यह क्या करता है? बाष्पीकरण की दर को कम करता है। क्या करता है? बाष्पीकरण की दर कम करता है। क्या करता है? बाष्पीकरण की दर कम करता है। क्यूटिन पौधे के बाहरी आवरण को ढक लेता है। क्या करता है? क्यूटिन जो है यह पौधे के बाहरी आवरण को, क्यूटिन पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेता है। बाहरी आवरण को क्या करता है? ढक लेता है। क्यूटिन पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेता है और जल प्रतिरोध का काम करता है। क्या करता है? जल प्रतिरोधक का कार्य करता है। देखिए पूछा गया है रेगिस्तानी पौधों की बाह त्वचा एपिडर्मिस में किसकी एक मोटी मोम परत होती है? तो आंसर होगा क्यूटिन की एक मोटी मोम परत होती है। अब यह क्यूटिन करता क्या है? तो क्यूटिन जो है यह बाष्पीकरण की दर को कम करता है। आपको पता है रेगिस्तानी इलाकों में वर्षा कम होती है, मतलब साल भर में एक बार ही कई वर्षा होती है कुछ दिनों के लिए। तो अब इतने ही जल को पूरे साल के लिए पौधे को अपने लिए यूज करना होता है। तो आप जहां पर जल की मात्रा कम होती है वहां पर रेगिस्तानी पौधों पर क्यूटिन की एक मोम जैसी परत पाई जाती है। यह क्या करता है? बाष्पीकरण की दर को कम करता है। पौधों से बाष्पीकरण कम होगा तो पौधे के अंदर जल की मात्रा अधिक मात्रा में बनी रहेगी, जिसका एक लंबे समय तक के लिए पेड़ पौधे अपने यूज में कर सकते हैं। क्यूटिन पौधों की बाहरी आवरण को ढक लेता है। बाहरी आवरण को मतलब बाहर का जितना भी एरिया साबे को ढक लेता है, जो जिससे बाष्पोत्सर्जन होता है उसे ढक लेता है। और यह जल प्रतिरोधक का कार्य करता है, मतलब अंदर से बाहर की ओर जल नहीं जाने देता है, जिससे बाष्पीकरण कम होता है और पेड़ पौधों में लंबे समय तक के लिए पानी बना रहता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा, वीडियो को लाइक जरूर करें यार। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतक को क्या कहा जाता है? तो पूछा गया है कि सामग्री में जैसे कि जल, खनिज लवण और जो खाद्य सामग्री प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा उत्पन्न होती है, इन सभी के परिवहन में सहायक ऊतक को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवहनी ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संवहनी ऊतक कहा जाता है। जैसे कि आप लोग दो नाम जानते हैं जटिल स्थायी ऊतकों के, जाइलम और फ्लोएम। क्या है? जाइलम और फ्लोएम। और यह दोनों एक साथ क्या कहलाते हैं? यह दोनों एक साथ संवहनी ऊतक या चालनी ऊतक कहलाते हैं। चालनी का मतलब भी चलना, या संवहनी का मतलब भी एक जगह से दूसरी ओर जाना होता है।
जाइलम क्या करता है, तो यह जड़ के द्वारा जल और जो खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं इन्हें पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और यह फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित खाद्य सामग्री का परिवहन पूरे पेड़ पौधों में करता है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, इन दोनों को संयुक्त रूप से संवहनी ऊतक या चालनी ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी बलकल। बलकल या इसे हिंदी में हम कहते हैं छाल। क्या कहते हैं दोस्तों, छाल। तो किसी पौधे की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, छाल कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बलकल कहते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, इसमें इतने क्वेश्चन लिए गए थे जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे। इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया गया है जो कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ऐसे ही अन्य वीडियो जैसे कि जंतु के जो ऊतक हैं, जंतु जगत, मानव शरीर का पाचन तंत्र और आप लोगों का ब्लड सर्कुलेशन एवं अन्य सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं उसके वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। और साइंस के और जीके जीएस के ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के जो जीके वो ऑलरेडी पहले से ही चल रहे हैं। मैथ्स के क्वेश्चन की बेस्ट ट्रिक्स आपको बताई जा रही हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गई थी। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है या ग्रुप डी एग्जाम, एलपी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम और एनटीपीसी एग्जाम 2019 और 2021 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्हें हमने यहाँ पर लिया है और आपके एग्जाम में यह सभी के सभी फिर से छपकर आने वाले हैं। तो आप लोग इसी तरीके की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।